सुनील भाई को दोनों को बहुत बहुत मुबारकबाद। माशाल्लाह ये रिश्ता आज तय हो रहा, हम दोनों को मुबारकबाद देना चाहेंगे। ये सुनील भाई और वाजिद भाई ये सब राजस्थान से हैं, जयपुर से हैं, और डॉक्टर साहब बहुत रोज से फारूकी साहब जो हैं इन लोगों के लिए बहुत वरिष्ठ थे कि सब अच्छे से हो जाए। तो माशाल्लाह दोनों दुल्हन दुल्हन के वालिद वालदा को और सब खानदान को मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा, और इंशाल्लाह ये शादी की तारीख फिर तय होगी, फिर हम लोग हाजिर होंगे। और आज जितने भी लोग हमारे साथी हैं, सुनील भाई जी, मुश्ताक खान जी, अनिल धवन जी, गुरुवचन जी, अनिल कपूर, आरिफ खान, सुफियान कपाडिया, सना खान, जितने भी कलाकार हैं यहाँ पे आए हैं, मैं उन सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा एक नोटिस पे। सब लोग आ चुके, दशहरा भी है, सबकी मुबारकबाद। सब लोग बिजी थे, पवन जी हमारे जो मीडिया के हेड हैं वो भी यहाँ पे शामिल है अपनी टीम को लेकर, तो बस ऑल द बेस्ट कहूँगा। डॉक्टर साहब के बारे में क्या कहना चाहेंगे? डॉक्टर साहब तो बहुत नए इंसान है, डॉक्टर साहब का ऐसा है कि मैं बताऊँगा तो बहुत लंबा चला जाएगा, लेकिन ऊपर मालिक और नीचे डॉक्टर साहब की वजह से आज मेरी जान बची कोरोना से, और मैं इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। अगर ये ना होते तो आज हम यहाँ पर स्टेज पर ना होते, तो करता तो सब ऊपर वाला, लेकिन मालिक ने इनको बहुत नवाजा है और बहुत नेक इंसान है और हमेशा लोगों की मदद के लिए खड़े रहते हैं अक्सर। तो बस डॉक्टर साहब दो लफ्ज़ का बहुत शुक्रगुजार हूँ अनिल भाई और हमारे आर्टिस्ट जो आए यहाँ पे, और मुबारकबाद देता हूँ भाई को इंगेजमेंट के लिए, और खुशी के तौर पर संदीप भाई तो संदीप साहब हैं वो आए, सबको लेकर इतना वक्त दिया उन्होंने, सारे लोग हैं मेहमान खुशी हैं हमारे, उनका बहुत अच्छे शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ जी दोस्तों, आज सब कलाकारों की तरफ से एक शेर बोलना चाहता हूँ दुआ की शक्ल में, अगर अच्छा लगे तो आपकी तालियां जो बजेगी मैं समझूंगा आपको, आप लोगों ने एक्सेप्ट किया है। तो बस यही कि दोनों के लिए, अक्सा और कैफ के लिए, कि गली गली में ये चर्चा आम हो आपका, गली गली में ये चर्चा आम हो आपका, फलक के चांद से ऊंचा मकाम हो आपका। अक्सा कैफ की जोड़ी है प्यारी, खुशी मिले सबको कि आसमां की बुलंदी पे नाम हो आपका। और डॉक्टर साहब के लिए इतना ही कहूँगा कि डॉक्टर साहब के बारे में मुझे अली भाई ने बताया है, मेरी पहली मुलाकात है डॉक्टर साहब से, मेहताब फारूकी साहब, मैं चाहूँगा कि आप जरा मेरे बगल में आए ताकि आपके लिए कुछ कहने का मजा भी आए। दोस्तों ये मेहताब फारूकी साहब वो शख्स है जिसके बारे में अभी इन्होंने अली भाई ने हमारे थोड़े से कम शब्दों में बताया, मैं इनको मैं भी कम शब्दों में कुछ इनके बारे में बताना चाहूँगा। अगर मेरी बात बिल्कुल सही लगे, दुरुस्त लगे तो प्लीज़ थोड़ा हाथों को तकलीफ ज़रूर देना। देख रहा हूँ कि ताली बजाने का मौका आ रहा तो आप कंजूसी कर रहे हैं। हाँ तो मैं फारूकी साहब के लिए कुछ कहना चाहूँगा, ठीक है। वो सबको गले से लगा के चलता है, वो सबको गले से लगा के चलता है, हर एक को अपना बना के चलता है। कोई कैसे लगाए उनके कद का अंदाजा, कोई कैसे लगाए उनके कद का अंदाजा, वो आकाश है फिर भी सर को झुका के चलता है। थैंक यू। इनके बारे में बस इतना ही बताया गया कि बहुत दानी है और बहुत लोगों का साथ दिया इन्होंने कोरोना अपग्रेड में, और जो भी है एक्स वाई जेड मदद का दूसरा नाम हमारे डॉक्टर साहब है। मैं चाहूँगा कि हम भी यहाँ इसी आस पर आए कि हम, मैं ऑल इंडिया लोकलाइक एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ और हमारे अभी एजुकेशन के कई बच्चे एजुकेशन के लिए महरूम रह जाएंगे अगर उनकी फीस ना भरी जाए, तो
तो उम्मीद है कि हम जो मुद्दा लेकर यहाँ आए हैं वो मुद्दा हमारे डॉक्टर साहब पूरा करेंगे, ऐसी उम्मीद है, ऐसी आशा करता हूँ। थैंक यू। बहुत बढ़िया आनिफ भाई, और मैं चाहता हूँ कि देर न करते हुए खानों के खान मुस्ताक खान जोरदार तालियां। मुस्ताक खान साहब मुबारकबाद दे रहे हैं, जोरदार तालियां। थैंक यू वेरी मच जी। को मेरा आदाब, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? बहुत खुशी हो रही है आप सबको देखे। हाँ बजी भाई बच्ची की अक्सा की अक्सा और कैफ की जो इंगेजमेंट है, जो सगाई है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे ज़्यादा मैं शुक्रिया अदा करूँ हमारे भाई अली भाई का, ये इन्होंने हमें इतना डॉक्टर साहब के बारे में बोला कि आपकी इतनी तारीफ की है कि मैंने कहा यार कुछ भी हो जाए यहाँ तो जाना ही जाना है। तो बहुत बहुत मुबारकबाद मोहम्मद कैफ और अक्सा बॉय, और इंशाल्लाह ये शादी में फिर जरूर आना होगा, तो इन दोनों बच्चों के लिए बहुत बहुत दुआएं। बस यही मैं चाहूँगा। और आ जाओ भाई जावेद, ये भी कलाकार, काफ़ी कलाकार इकट्ठे हो गए, बहुत अच्छी बात है। आ जाओ जी। और नितिन जो है ये बहुत अच्छे सिंगर हैं और ये लिरिक राइटर हैं। इन्होंने अगर याद हो आपको गाना कौन सा, हाँ आमिर खान रानी मुखर्जी का जो गाना था आती गया खंडाला, मैडम को इधर राइटर तानिया जावेद जावेद हजर एक्टर देखा हुआ आपने, तो नितिन जी आप प्लीज। सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद दूंगा और ढेर सारा आशीर्वाद दूंगा कि फूले फले और जिंदगी में हमेशा कामयाब रहे। और खुशी की बात है आज पूरी टोली आई है, सुनील भाई साहब, अरे भाई, सबकी दुआ है। मैंने काफ़ी गाने लिखे हैं जिसमें आतिका खंडाला, अपुन बोला तू मेरी लैला, आयला रे आयला, तीजा मायला, कम बख्तिश, खलास, भाई का बड्डे है। और हमारे जो भाईजान हैं इनके जो बेटे हैं उन्होंने एक फिल्म बनाई हिंदी मराठी में जिसमें मैंने म्यूजिक किया है, तवा गरम है तो अंडे को फोड़ दो, जैसे कि लोहा गरम है मार दो हथौड़ा। तो बस ये फिल्म बहुत जल्दी रिलीज होगी, आप सबकी दुआ चाहिए उसके लिए। और मैं आप चाहूँगा सुनील बाल जी कुछ बोले हमारे साथ, लगा लेते बाइट इधर ही कर लेंगे। सुनील बहुत बोल चुका है, अब अनिल की बारी है। आइए अनिल धवन जी, अनिल धवन जी के जोरदार तालियां। इन्होंने कहा था तेरी गली में ना रखे कदम आज के बाद, लेकिन ये प्यार मोहब्बत देखने के बाद ये रोज इधर ही दिखेंगे। हेलो, थैंक यू वेरी मच। आप लोग सबका प्यार है इसीलिए आज भी इस मंच पे मैं खड़ा हूँ। ना जाने कितने हजार मंच पर खड़ा होके मैंने इस चीज को दोहराया है बिकॉज आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया है। एक चीज बोलने के लिए मैं कतराऊंगा नहीं, मगर आपको बताना भी चाहूंगा, मुझे इंडस्ट्री में 52 साल हो गए आज, 52 ईयर्स। और इस साल मैंने अपने आप को 75 ईयर्स कंप्लीट किया है और 76 ईयर्स में मैं गया हूं। ये सब आप लोगों के प्यार की वजह से है, वरना ऐसा तो कुछ हो नहीं सकता था। और आज भी मैं काम कर रहा हूं। शामिल है लवी हो दुआ में याद रखना, अच्छा लगा आज आप लोग सामने रूबरू में हैं, लवी हो। बहुत बहुत शुक्रिया सबका। अब चुके जो रस्म हो होगी और मीडिया भाई प्लीज, थैंक यू। वीडियो नहीं चलेगा अभी। वाजिद भाई को मुबारकबाद देना चाहूँगा, उनकी बच्ची की एंगेजमेंट है आज, और ये जो दूल्हे हैं वो जयपुर से हैं और ये आज
आज रिश्ता तय हो गया, उसी खुशी के मौके पे हम सब लोग आए हैं। हमारे फिल्म के सारे आर्टिस्ट जो हैं, सुनील पाल जी, मुश्ताल भाई, अनिल धवन जी, दिलीप सिंह जी, सुफियान कपाड़िया, आरिफ खान, जावेद हैदर, नितिन जी जिन्होंने गाना लिखा था, चलती है क्या खंडारा, ऐसे सब 8-10 लोग हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं दूल्हा दुल्हन को मुबारकबाद देने के लिए। शबीर भाई को और डॉक्टर फारूकी साहब, हम उन सबके बुलावे पे यहाँ पे मौजूद हैं। अक्सर देखा है ऐसी पार्टी बहुत रियली पहुँचते हैं यहाँ का खास मकसद, क्योंकि हमने देखा है अक्सर बॉलीवुड आप कवर करते हैं, किसके क्या आपको खींच कर लेकर आए यहाँ पर? पूरी बॉलीवुड को आधे से ज्यादा बॉलीवुड खींच कर ले आया आप, सुनील पाल है पूरी बंडली आपकी। देखिए हम लोग आजा की मोहब्बत है, क्योंकि हम लोग कमिटेड लोग हैं और फारूकी साहब जो हैं उनकी वजह से आज मैं दोबारा ऊपर मालिक नीचे डॉक्टर साहब थे कि आज मुझे सेकंड लाइफ मिली है और आप सबके बीच में मैं यहाँ पे हाजिर हूँ। और डॉक्टर फारूकी साहब मुझे लगता है कि ये नहीं होते तो शायद मैं नहीं होता, ये तो मौत है तो ऊपर वाले के हाथ में, लेकिन इनका बहुत बड़ा अहम रोल था और यही वजह है कि हम सब लोग, मेरी वजह से सारे कलाकार यहाँ पे आ पाए हैं, मीडिया से आई है। तो मैं डॉक्टर साहब का डॉक्टर साहब ऐसा क्या वाक्य था जो अली साहब की तारीफ करते हुए नहीं करते हैं, अली साहब क्या कहना चाहेंगे? तो एकदम बड़प्पन है बड़े भाई यार, माइक में बोलने देना भाई, स्पीकर माइक दो ना बेटा जी। और प्रीमियर ऐसा नहीं कि पेशेंट हो डॉक्टर का कोई पेशेंट का डॉक्टर भगवान होते हैं पूरे वक्त में, मतलब आखिरी मतलब बहुत दिन से आप निकाल कर लेकर आए वाली खान साहब? नहीं मैं कोई ताकत नहीं खड़े, इन्होंने खड़े उसने कट के आए गए वैसे आए उनका जो मामला था वो वाकई में बहुत ही क्रिटिकल, मगर वो बस शिफा दिया जाता घर में इनको मैरिज उनको इंक्लूड उनको रखा गया सारा ट्रीटमेंट हॉस्पिटल और उससे ये बाहर आए। मगर अफसोस की बात एक आज हमारे बीच बाकी नहीं जो हॉस्पिटल गई और वो आ रहे इस चीज़ का अफसोस हमेशा करें हम उनके लिए कुछ करें। आइए आइए इतना बड़ा लाइफ का ये हिस्सा था जो बता रहे डॉक्टर साहब शेयर कर रहे, क्या कहना चाहिए माइक में बोलिए? हाँ वो सही कह रहे हैं, मेरी राष्ट्रपति है मेरी मिसाजी उनका टाइम उतना ही था उनके पूरे परिवार को मैं स्पेशली बहुत बधाई देना चाहता हूँ इस मुबारक मौके पर कि अक्सा और हमारे कैफ साहब एक रिश्ते को बदलने जा रहे हैं। दोनों में दुआ ये है कि दोनों जीव हजारों साल रहे हमेशा खुशहाल, दोनों की दुआ से रहे माला माल, यही तेजी से दुआ दे रहे हैं आए हुए तमाम बोलों के कलाकार और डॉक्टर सुनील पाल। लगभग क्या बात है, बात है अली साहब ने इतनी सारी बातें कह दी, बस वही बात को दोहराना है और कुछ नहीं है। ये है कि नेक काम में आने का मौका मिला उसके लिए मैं बहुत खुश हूँ और मैं बहुत शुक्रिया अदा करूँगा सबसे पहले तो अली भाई का जिन्होंने मुझे यहाँ आने की दावत दी और डॉक्टर साहब और डॉक्टर साहब की बच्ची के लिए अक्सा के लिए मैं तहे दिल से उनको दुआएं देता हूँ और मोहम्मद कैद को भी कि जोड़ी बने रहे सलामत रहे और जल्द से जल्द इनकी शादी हो और इनकी ज़िंदगी खुशहाल हो बहुत ज़्यादा माल हो जैसे उसमें बाल हो। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया पवन जी। जी मैं सबसे पहले अली खान साहब मेरे बड़े भाई का शुक्रिया अदा करता हूँ और जो इस फंक्शन में डॉक्टर साहब के कहने पर हम सब और अली भाई के कहने पर हम सब इकट्ठा हुए हैं, क्योंकि डॉक्टर साहब के बारे में जो बताया गया है कि
बहुत ही दानी शख्स है और किसी का दुख नहीं देख सकते, किसी का दर्द नहीं देख सकते। तो बस यही सारी चीजें हमको खींच करके लाई है और इन सब चीजों का एक हमको बताने वाले हमारे अली भाई। तो बस मैं क्या कहूँगा कि कोरोना काल के दौरान अली भाई जब बीमार हो गए भाभी अस्पताल में और ये दूसरे अस्पताल में, उस वक्त ऐसे में कोई अपना घर का फर्क भी अपने वाजिब हो गया घर का, कोई भी दूसरे फर्क बीमार भी होता था उसको हाथ ही लगाता था। ऐसे में डॉक्टर साहब ने उनकी जो खिदमत की अली भाई की, तो उसी खिदमत के एवज में उन्होंने एहसान को एहसान मान करके जो काम किया जा रहा है, जो आज यहाँ सब इकट्ठे हुए अली भाई की मोहब्बत में और डॉक्टर साहब की मोहब्बत में, मैं बस यही चाहूँगा कि जो काम किया है इन्होंने कि प्यासे को भूल कर जिसने पानी पिला दिया उसने 7 करोड़ को नीचा दिखा दिया। थैंक यू सो मच। आपके बारे में